गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? एक्चुअली जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो अभी मॉर्निंग है इसलिए ओके सो कैसा रहा हमारा लास्ट वीडियो? आई होप आपने प्रैक्टिस किए होंगे कुछ क्वेश्चंस घर पर, है ना। ये हमारा सेकंड वीडियो है, इसमें हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो जिसने भी अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है प्लीज एक बार जाकर देख लीजिए, बिकॉज उसी के कुछ कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 10 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट वीडियो। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम अनदर वन। ठीक है, सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? डिसॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिडॉक्स रिएक्शन, नन ऑफ दिस। पहले तो ये समझते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज मींस जब भी आप किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करते हैं मतलब अगर मैं बोलूं कि आपने वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख दिया, राइट, तो क्या हो जाएगा? वाटर को अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आइस बनेगा, उसका स्टेट चेंज हो गया है ना, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। अगर आपने एक कैंडल को वो चूल्हे से बर्न किया है तो उसमें से फिर क्या होगा? वैक्स उसका मेल्ट होते जाएगा। वो हम लोग ऐसे बचपन में नहीं करते थे, ऐसे कैंडल वैक्स मेल्ट होने के बाद उसको ऐसे हाथ पर गिराते थे, रिमेम्बर? अगर आपने किया हो तो वो क्या होगा? कैंडल जो होता है वो वैक्स जो मेल्ट हो रहा है वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि जैसे शुगर डिसॉल्व करना है आपको पानी में, तो शुगर अगर आपको पानी में डिसॉल्व करना है, ये दिखता है कि ये एक केमिकल चेंज है बट ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि हमारे पास, आप इमेजिन कीजिए कि ये हमारे पास एक ग्लास है जहां पर हम वाटर फिल कर रहे हैं। ठीक है। अब 9th grade में हम सभी ने पढ़ा है कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, राइट, एंड दे हैव इंटर पार्टिकल स्पेस, करेक्ट? सो इन दिस पार्टिकल, इन दिस इवन वाटर एज वेल, व्हाट डू वी हैव? वाटर में क्या है? इंटर पार्टिकल स्पेस है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, राइट। तो शुगर क्या करता है? शुगर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ शुगर, ये इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है ना वाटर का, वहां जाकर के सेटल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए शुगर डिसअपियर हो जाता है। ठीक है। सो जैसे ही आप शुगर को स्टर करेंगे उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं, वाटर के इंटर पार्टिकल गैप्स जो होते हैं वहां पर जाकर के सेटल हो जाते हैं। तो अब इस पूरी प्रोसेस में यहाँ पर कहीं पर भी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। केमिकल चेंज मीन्स व्हाट? कहीं पर भी बॉन्ड, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कहीं पर भी न्यू कंपाउंड नहीं बन रहा है। ठीक है। सो ये कौन सा चेंज है? दिस इज अ फिजिकल चेंज, करेक्ट। केमिकल चेंज की एक और खासियत होती है कि जब भी कोई न्यू कंपाउंड बनता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना वो आपके रिएक्टेंट से एकदम डिफरेंट होती है। रिएक्टेंट से क्या होती है? डिफरेंट होती है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने शुगर डाला है वाटर के अंदर और अगर हम वो पानी को पी लेते हैं तो उसका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट होगा, है ना, राइट। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, राइट, करेक्ट। सो व्हाट शुड आई से? यस, द करेक्ट आंसर इज फिजिकल चेंज। अच्छा, एक बार ऑप्शन सी देखते हैं, वो क्या बोल रहा है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं, एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बट यहाँ पर तो केमिकल रिएक्शन ही नहीं है, है ना। ठीक है, चलो। सो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट इज इवॉल्व्ड मीन्स क्या होता है? हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग व्हाट? सो जब हीट रिलीज होती है ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। सो अब हीट कहाँ रिलीज हो रही है? देखो बात करते हैं। ए ऑप्शन में दिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक दैट मीन्स व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब, एंडो En means entering, something is entering, okay, heat is entering. So endothermic means heat is absorbed. यहाँ तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है नहीं, राइट, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, जहां पर एक एक्टिव मेटल होता है वो लेसर एक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसको पुश कर देता है कि भाई तू जा यहाँ से, मैं यहाँ पर बैठूंगा, है ना। तो ये भी रिएक्शन कैसी है कि एक ऑटोनोमस रिएक्शन है, वो थोड़ा से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। इसमें भी जरूरी नहीं है कि हीट रिलीज हो ऑलवेज, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी इन दिस, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। कंबर्शन रिएक्शन, देखो कंबर्शन रिएक्शन अब सबको समझ में आ गया। कंबर्शन रिएक्शन, कंबर्शन मीन्स क्या? कंबर्शन मीन्स बर्निंग ऑफ समथिंग। जैसे हम बाइक चलाते हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, घर पे खाना बनाते हैं, गैस बर्न हो रही है, एलपीजी बर्न हो रही है ना। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। स्कूल में आपको आपने एक एक्सपेरिमेंट किया तो नहीं होगा, आप कोरोना है स्कूल तो नहीं है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में वो एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी दिया है ना, कि मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हैं तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पर, कंबस्टन, ठीक है। अब देखो बर्न करने के बाद में क्या होता है, सबको पता है कि बहुत सारी हीट रिलीज होती है ना। अगर आप एक कैंडल को बर्न करोगे, उसमें से फ्लेम आती है, वो फ्लेम को ऐसे ऐसे टच करते हैं तो फिर गर्म लगता है, हॉट लगता है ना, है ना। दैट मीन्स क्या है कि बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है। तो बर्निंग ऑफ एनीथिंग और आई शुड से कंबस्शन रिएक्शन आर वॉट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, कंबस्शन रिएक्शन। एक लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स अगेन ए बी कंबाइंस टू फॉर्म ए बी, है ना। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा हीट रिलीज ही करे। देर आर मल्टीपल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो हीट एब्जॉर्ब भी करती है, ओके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C+O2, इसको क्या करना होता है, इसको हीट करते हैं तब कहाँ जाकर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, कंबस्टन रिएक्शंस, राइट, गॉट इट। चलो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन से कुछ मुझे याद आया, डेली रूटीन में क्या ऐसा एग्जाम्पल आप देखते हो जो आप फील कर सकते हो कि हाँ यार ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ याद आया नहीं? चलो मैं बताती हूँ। जैसे आप ग्लूकोज होता है, हम ग्लूकोज को खाते हैं, राइट, जैसे ही उसको टंग पे रखते हैं क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन लगता है ना, लगता है ना। क्यों लगता है, क्योंकि उसने क्या किया है बताए, ग्लूकोज के पार्टिकल से, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से सारा हीट एब्जॉर्ब कर लिया है हमारे टंग से, सलाइवा से, वो सराउंडिंग से, ओके। तो वो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है बिकॉज उसने हीट तो एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। तो फिर सराउंडिंग टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, इसलिए हम लोगों को कूलिंग सेंसेशन लगता है, राइट। सो जब भी हम ग्लूकोज को हमारी टंग पे रखते हैं, वो कौन से टाइप की रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब भी अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो किसी बीकर में, मान लीजिए आपने कोई केमिकल मिक्स किया और वो बीकर कैसा है, बीकर थोड़ा सा हॉट सेंसेशन दे रहा है, हॉट है, राइट, तो वो क्या होगा, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये चीज बताता है कि वो आपका जो सॉल्यूशन है ना वो हीट हो चुका है, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, ठीक है, समझ में आया, राइट। चलो ऐसे ही देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज not a balanced equation, okay, now questions को properly read करना, exam में ध्यान रखना अच्छे से, आपको question को properly पढ़ना है। Which of the following is not a chemical reaction? पता है जब मैं ये question मैंने कहीं देखा था तो मैंने वो not को तो skip कर दिया। Which of the following is not a chemical reaction? Not पढ़ा होगा, mind में skip हो गया, ठीक है, और बस लगी पड़ी हूँ question solve करने के लिए। तो ऐसे नहीं करना है भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो कौन सा इक्वेशन है जो कि बैलेंस नहीं है, देखते हैं। ए, वन आयन रिएक्ट्स विद टू क्लोरीन एटम टू फॉर्म FeCl3। अरे हमको आंसर तो यहीं पर मिल गया है ना, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ए ओनली, है ना। एक बार फिर भी देख लेते हैं बाकी के ऑप्शन हमारे पास क्या है। Magnesium reacts with copper sulfate, so one magnesium, one copper, one sulfur, 4 oxygen. अब product side में कितने हैं, magnesium sulfate and copper, ये copper है, okay, so one magnesium, one sulfur, same, one copper, right, so all the atoms are balanced, right। चलो तो ये हमारा option तो नहीं है। C, NaOH reacts with HCl to form NaCl and H2O, correct। अब एक सोडियम है, product side में भी एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन हमारे पास है, और प्रोडक्ट साइड में भी एक ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में दो हाइड्रोजन है, देख लो है ना, तो प्रोडक्ट साइड में भी देख लो दो हाइड्रोजन है, फिर रिएक्टेंट में एक क्लोरीन है तो प्रोडक्ट में भी एक क्लोरीन है, ये भी बैलेंस्ड है, करेक्ट। सिमिलरली डी ऑप्शन, जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जब हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता है ना जहां पर सल्फर होता है, लाइक सिर्फ एक सल्फर होता है, राइट, उसको नॉट एक्चुअली एक सल्फर बट ओनली सल्फर आयन होता है, उसको प्रोनाउंस करते हैं या उस आयन को क्या बोलते हैं, सल्फाइड, ओके, आईडीई एक सफिक्स होगा लास्ट में, ठीक है। सो जिंक सल्फाइड, यहाँ पर क्या हो रहा है, वन जिंक वन सल्फर, दे आर रिएक्टिंग टू फॉर्म वन जिंक सल्फाइड मॉलिक्यूल, राइट, तो ये भी बैलेंस्ड है। सो करेक्ट आंसर है हमारा ए, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बताने वाली थी आप लोगों को, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज कुछ तो है विच आई एम फॉरगेटिंग, क्या था देखो, सेकेंड रिएक्शन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, सो एंड वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है उसके प्लेस से, राइट, और वो क्या करता है, सल्फेट के साथ खुद ही जाके रिएक्शन कर रहा है। तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, को पता होना चाहिए, है ना, कौन से टाइप का रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और स्पेसिफिक बताऊं तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया, राइट, ओके। चलो इसी तरह से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। The reaction between lead nitrate and potassium iodide present in aqueous solution is an example of. So lead nitrate, पहले तो बता दो कि lead nitrate का फॉर्मूला क्या होता है। पॉज करो और अभी कमेंट सेक्शन में मैसेज करो lead nitrate का फॉर्मूला। lead nitrate देखो, lead PbNO3 twice, okay, ये है फॉर्मूला, है ना, करेक्ट। पीबी इसका लैटिन नेम है प्लम्बम, इसीलिए लेड का सिंबल है पीबी, ठीक है। सो लेड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, अब पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है KI, इट्स वेरी सिंपल। सो PbNO3 ट्वाइस जब रिएक्ट करता है KI पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या बनाता है, ये बनाता है PbI2 प्लस KNO3। अब किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है आपको, ये देखो, ये तो ना ऐसी बात हो गई है कि दो फ्रेंड्स हैं AB और दो फ्रेंड्स का ग्रुप है, पेयर है AB और CD। यहाँ पर AB और CD दोनों के बीच में फाइट हो गया है, ठीक है, और दोनों ने फ्रेंडशिप तोड़ दिए, A ने B से फ्रेंडशिप तोड़ दिए, C ने D से फ्रेंडशिप तोड़ दिए, ठीक है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स चेंज करने हैं, पार्टनर चेंज करने हैं, नाउ वी आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, ठीक है। तो क्या हुआ, A ने करा है D के साथ फ्रेंडशिप, राइट, A ने कर लिया D के साथ फ्रेंडशिप और C ने कर लिया B के साथ फ्रेंडशिप, ठीक है। कौन सा टाइप का रिएक्शन हो गया ये, BC प्लस AD, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या हुआ है, देखो पोटेशियम ने करा है लेड को डिस्प्लेस, करेक्ट, और आयोडीन ने करा है नाइट्रेट को डिस्प्लेस, ठीक है, समझ में आया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो बिकॉज जब भी हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर टू सॉल्ट्स होते हैं, राइट, टू सॉल्ट्स होते हैं और दोनों के मेटल आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, मेटल आयन बोलो या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन भी बोल सकते हो, दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ऐसे सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ऑप्शंस में देखो कहाँ है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये रहा, है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग, किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस टाइप की होती है, जहां पर आपके पास में एक कंपाउंड होता है और वो मल्टीपल स्मॉलर कंपाउंड्स में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, या फिर मल्टीपल एलिमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, हमारा NCERT बुक में भी है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको थोड़ा हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये ऐसे टाइप की जो रिएक्शंस होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या बोलता है एग्जामिनर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमने पहले डिस्कस किया है ना, जहां पर एक मेटल रिएक्ट करती है पूरे दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ में और वो मेटल B को डिस्प्लेस कर देती है। वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और हमने जो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल था, जो क्वेश्चन था वो क्या थी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, गॉट इट, राइट? ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन देखो यहाँ पर हमको नाम से ही पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू न्यूट्रल, न्यूट्रल सोल्यूशन, राइट? जिसका हम कह सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस से तो वो क्या करता है? न्यूट्रलाइज करते हैं दोनों एक दूसरे को और क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी हमारे पास यहाँ तो नहीं है, है ना? तो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे मैंने डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हैं इस रिएक्शन पे बेस्ड। जैसे क्या होता है, एक्स देते हैं, एक्स इज अ नाइट्रेट ऑफ एनी मेटल विच रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, वो क्या करता है? फिर रिएक्ट करके बनाता है येलो प्रेसिपिटेट, ओके, एंड KNO3। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये येलो प्रेसिपिटेट किस चीज का बनता है? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड इज येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस, येलो कलर का होता है। ठीक है, देखो एक इमेजिन करो, एक रिएक्शन में आपको बताती हूँ। जैसे अभी मेरे पास मान लो एक बीकर है, उसमें मैंने क्या करा है? लेड नाइट्रेट लेकर रखा है। ठीक है, लेड नाइट्रेट है, एक बीकर है या एक टेस्ट ट्यूब है, कुछ भी बोलो। दूसरे टेस्ट ट्यूब में मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड है। मैंने जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिक्स किया, ठीक है, जैसे ही मिक्स किया तुरंत क्या होता है? एक येलो कलर का अपीयरेंस दिखता है। मतलब तुरंत इमीडिएटली मुझे येलो कलर के कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं सोल्यूशन में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड येलो कलर का सब्सटेंस होता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, समझ में आया, राइट? सो इस क्वेश्चन में हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस लर्न किए हैं। फर्स्ट क्या होता है? रिएक्शंस कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड, एक्स ने रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक्स के नाइट्रेट ने रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ और येलो पीपीटी बनाया, तो एक्स का नाइट्रेट, कौन सा नाइट्रेट हो गया? ये लेड नाइट्रेट। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है? ये रिएक्शन रहता है पूरा और एग्जामिनर कैन आस्क कि यहाँ पर एक येलो पीपीटी फॉर्म होता है, येलो पीपीटी किसका होता है? ओके, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ येलो पीपीटी? तो क्या है केमिकल नेम ऑफ येलो पीपीटी ना? पोटेशियम आयोडाइड, है ना? गॉट इट, राइट? चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, व्हाट हैपेंस व्हेन अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयन फीलिंग? ओके, टिक द करेक्ट आंसर। सो हाइड्रोजन गैस एंड आयन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। Okay, chlorine gas and iron hydroxide are produced. देखते हैं, no reaction take place. Okay, iron salt and water are produced. Okay, देखो पहले तो मैं reaction लिखती हूँ यहाँ पर HCl aqueous, right? And what do we have? Iron, right? So हमारे पास क्या है? Dilute HCl and iron. When they react together, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस किया है। जिसने भी नहीं देखा है लास्ट वीडियो, अगर रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने की ट्रिक समझना है तो एक बार वो वीडियो देखो। उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही शॉर्ट ट्रिक बताइए कि आप कैसे लर्न कर सकते हो। ठीक है, दैट हिंदी वाला है काशीनाथ का माली आलू फीके पकाता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और इंग्लिश वाला क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, लाइक दैट। ठीक है, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है? आयन जो है ना, ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। आयन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो अब ये क्या करेगा? अगर कोई एक एलिमेंट है और एक बंदा है वो बहुत पावरफुल है, राइट? उसके सामने दूसरा ऐसा दुबलू पतलू सा छोटू सा बंदा खड़ा है, वो क्या करेगा? उसको उससे फाइट करना है। तो जो पावरफुल वाला स्ट्रॉन्ग वाला बंदा है वो उसको लगाएगा नहीं एक पंच, राइट? ओके, डिस्प्लेस करेगा ना, राइट? सो आयन क्या करता है? आयन इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है एंड इट प्रिपेयर्स FeCl2। ओके, FeCl2 आयन क्लोराइड, राइट? प्लस और क्या बनेगा? अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब बेचारा ये तो फ्री हो गया, वेला हो गया, राइट? एनवायरमेंट में क्या करेगा? सो हाइड्रोजन, अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो अपर एरो है ना, मतलब ये सिंबल है गैस का। ठीक है, दैट इट इज इवॉल्विंग इन द एनवायरमेंट, राइट? सो FeCl2 प्लस H2। अब देखो ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है? करेक्ट ऑप्शन है A। hydrogen gas and iron chloride are produced. Got it? Right? ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पूछती हूँ. What is the like what should I say? What is the correct name of this iron chloride? Specific name of iron chloride, IUPAC name of iron chloride. बताओ मुझे in comment section. I think ये भी हमने last video में discuss किया है क्या? नहीं किया होगा. अगर डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आंसर करूंगी इन नेक्स्ट वीडियो पक्का. ठीक है. आयरन क्लोराइड का करेक्ट नाम क्या है, IUPAC नाम क्या है, ये आपको मुझे बताना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. The removal of oxygen from a substance is called. The removal of oxygen from a substance is called. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. आप पहले देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के डेफिनेशन है, सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं. ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. करेक्ट. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन इज व्हाट ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड also known as what? Removal of hydrogen. Removal of hydrogen. Removal of hydrogen. Correct. ये तीन definitions है oxygen, oxidation की. So इसके हिसाब से removal of oxygen तो ये तो हो नहीं सकता. करेक्ट. हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ऑक्सीडेशन में, है ना? नहीं है. कोरोजन. कोरोजन मीन्स क्या होता है? जब भी कोई मेटल रिएक्ट करती है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. राइट. जैसे आयन है, आयन क्या करेगा? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में. ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना? तो ये भी ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ओनली. कोरोजन भी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारे करेक्ट ऑप्शन में तो नहीं है. देन रिडक्शन. अब रिडक्शन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या होता है. रिडक्शन. रिडक्शन में फर्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. रिडक्शन में फर्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. सेकेंड डेफिनेशन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो सारा ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन है. ठीक है, रिडक्शन इज उल्टा ऑफ ऑक्सीडेशन, मान लो. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लास्ट डेफिनेशन इधर में अगर यहाँ पर आपको दूं तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. देखो आंसर मिल गया, मिला कि नहीं, है ना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होता है? कौन से प्रोसेस में होता है? रिडक्शन में होता है. करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? रिडक्शन. व्हाट इट. ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पर है रेंजिडिटी. एक बार वो भी बता देती हूँ शॉर्ट में क्या होता है रेंजिडिटी. रेंजिडिटी दैट मीन्स कि जब हमारे पास कोई ऑयल होता है ना घर में, जैसे खाना बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, कुछ वेफर्स बनाते हैं, ऑयल में फ्राई करते हैं. राइट. तो वो ऑयल जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑयल, फैट, घी, कुछ भी ले लो, अगर वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो खराब हो जाता है. राइट. दैट मीन्स आई कैन से दैट माई ऑयल हैज गॉट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, तो वो खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं रेंजिडिटी. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंजिडिटी. समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है? ऑयल और फैट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. राइट. दैट मीन्स क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना? गॉट इट. सो मैं कह सकती हूँ कि रेंजिडिटी इज व्हाट? रेंजिडिटी इज आल्सो द सॉर्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना? बोल सकते हैं ना? ठीक है, चलो ऐसे ही देखते हैं जल्दी से कि हमारे सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है. ठीक है बच्चों, बोर मत होना. अगर बोर हो रहे हो, नींद आ रही है, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ. ओके कुछ खा लो, खा पी लो, फ्रेश हो जाओ जल्दी से और फिर आकर के बैठो वापस से. ठीक है, हम लोग ऐसे धीरे धीरे करके 100 क्वेश्चंस तो फिनिश करके ही रहेंगे, है ना? चलो क्या है सेवेंथ क्वेश्चन? सेवेंथ क्वेश्चन में इन कंटेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज नोन एज. रिडॉक्स रिएक्शन के केस में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन सब्सटेंस इज नोन एज. अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आई जस्ट हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. ठीक है, कि रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना? अब यहाँ पर क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करो और देखो है ना कि क्या डेफिनेशन हमने लिखी थी, राइट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ व्हाट, ऑक्सीडेशन, राइट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में देखो क्या होता है, रिडक्शन यहाँ पर जो है ना इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, राइट। एक और ऑप्शन आपको बताते चले, डिहाइड्रेशन लिखा है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन तो बहुत इजी है समझना, है ना। डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि ORS लो, फिर मम्मी घर पे नींबू पानी बना के देती है, नमक शक्कर का घोल बना के कुछ तो पानी बना करके देती है ना। डिहाइड्रेशन दैट मीन्स लॉस ऑफ वाटर, ओके। बॉडी में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। सो कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पर आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट साइड में सम वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। चलो इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन अ कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज, कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। तो ये रिएक्शन तो हमने डिस्कस किया है, जिसने भी पुराना वीडियो देखा होगा ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत इजी होगा, है ना। कोरोजन ऑफ आयरन तो क्या होता है, देखो आयरन कैसे कोरोड होता है, आयरन रिएक्ट करता है एयर से, ठीक है। एयर में किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से और वाटर से, ठीक है। और क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट x मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब सम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी फ्रॉम H2O फॉर H2O, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करा। सो सबसे पहले देखो आयरन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, है ना। तो ऑक्सीडेशन तो है डेफिनेटली, कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा, ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन, ये हो सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। अब क्या हो रहा है, आयन कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल के साथ, वो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, राइट। यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, है ना। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट नहीं, रिडक्शन तो है ही नहीं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट आंसर फॉर अस, ठीक है। क्लियर अप टू हियर, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। The term used to indicate the development of unpleasant smell and taste in fat and oil containing food due to aerial oxidation. Okay, so अच्छा बच्चों, पहले एक बात मेरी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो सुनो। क्या है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमारे पास एक चैप्टर है ना, और उस चैप्टर में दिया है एक टॉपिक आपको कोरोजन, ठीक है। तो वहां से थर्ड चैप्टर से कोरोजन डिलीट हो चुका है, राइट। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर से कोरोजन जो है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन जो फर्स्ट चैप्टर है जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर कोरोजन, रेंजिडिटी ये सब है, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऐसा मत सोचना कि मैम आप ऑक्सीडेशन में कोरोजन, रेंजिडिटी क्यों कर रहे हो तो डिलीट हो चुका है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में दीज आर द पार्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हमको करना है, ठीक है ना। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। मैं क्वेश्चन ही भूल गई, क्या था, द टर्म यूज्ड टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर जितना भी ऑक्सीजन है जो हम लेते हैं वो क्या है, एरियल ऑक्सीजन है ना। तो एरियल ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में रेंजिडिटी एक्सप्लेन की थी, है ना, उसको हम फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फूड है जिसको हमने ऑयल में फ्राई किया है ना? उसको अगर मैं बहुत टाइम के लिए ओपन रख देती हूँ इन दी एनवायरमेंट, लेट्स से 4-5 डेज के लिए मैंने बाहर रख दिया, तो क्या होता है, मम्मी बोलती ना नहीं नहीं वो खराब हो गया उसको मत खाओ, है ना, बोलती ना मम्मी की खराब हो गया उसको मत खाओ, ठीक है। अगर एग्जाम्पल दू तो चिप्स ले लो, चलो कुछ चिप्स मम्मी फ्राई करती है आलू के घर पे, और अगर हम लोग 2-3 महीने तक नहीं खाते हैं, फिर सडनली याद आता है कि वो चिप्स खाना है और लेते हैं, और तो उसमें एक अजीब से स्मेल आने लग जाती है, ठीक है। मम्मी बोलती खराब हो गया उसको नहीं खाना है। क्यों आता है ऐसा, क्यों होता है? क्योंकि वो जो चिप्स है ना, वो जिस ऑयल में फ्राई हुई है, उसमें जो ऑयल है उसने हमारी जो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन थी उससे रिएक्ट कर दिया है, ठीक है। सो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है ना, उसकी स्मेल अनप्लीजेंट होती है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। तो क्या होता है, दिस टर्म इज नोन एज रेंजिडिटी, जहां पर ऑयल और फैट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं उसको बोलते हैं रेंजिडिटी, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एसिडिटी नहीं, रेडियो एक्टिविटी नहीं, रेडियो एक्टिविटी तो आप सबको पता है क्या होता है ना। एसिडिटी भी पता होगा मेरे ख्याल से, रैपिडिटी नहीं, करेक्ट आंसर इज व्हाट, रेंजिडिटी, रेंजिडिटी राइट, है ना, करेक्ट, ओके। सो अब इसी तरह हम लोग देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया। ये क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स, भूख लग रही है सच्चे में, बाय गॉड भूख लग रही है अब इसका नाम सुन करके तो। और क्या था, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन अ प्लास्टिक बैग इज एन एटमोस्फियर ऑफ। तो एक चीज आपने नोटिस की, जब भी हम मार्केट से वो बालाजी के और लेस के चिप्स के पैकेट खरीदते हैं, तो वो पैकेट तो इतना बड़ा होता है और चिप्स निकलते हैं थोड़े से, उसमें से थोड़े से चिप्स होते हैं, राइट। तो जब मैं छोटी थी ना, आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि यार ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इतना उल्लू बनाते हैं, इतना बड़ा पैकेट देते हैं और चिप्स तो आता है थोड़ा सा, ठीक है। तब अब मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा, देयर इज अ रीजन कि वो इतना एयर क्यों भरते हैं उसमें, ठीक है। देखो क्या रीजन है, कि वो जो चिप्स होता है ना, उसमें से वो जो एयर होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से। उसको रिप्लेस करते हैं किससे, नाइट्रोजन गैस से। क्यों करते हैं ऐसा, वो ऑक्सीजन को एक्चुअली रिप्लेस करना होता है, सारी एयर में से ऑक्सीजन को या एयर को रिप्लेस करते हैं टू फिल दिस पैकेट, टू फिल दैट पैकेट विद नाइट्रोजन गैस, बिकॉज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिहेव एज एन इनर्ट मॉलिक्यूल, दिस गैस बिहेव एज एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन एटम नहीं, आई एम नॉट सेइंग नाइट्रोजन एटम, ओके, नहीं तो क्या बोलोगे मैम, इनर्ट गैसेस तो मोनो एटॉमिक है ना, राइट, हीलियम, आर्गन, वो क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस है, नहीं वो इनर्ट गैसेस है, करेक्ट, दे आर मोनो एटॉमिक। बट यहाँ पर नाइट्रोजन का सिंगल एटम इज हाईली रिएक्टिव, सिंगल एटम इज हाईली रिएक्टिव, बट जब ये बनाता है ट्रिपल बॉन्ड विद अनदर एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो ये बहुत स्टेबल हो जाता है, इट डजंट रिएक्ट विद एनी अदर थिंग एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सो इनर्ट मॉलिक्यूल, आई कैन से दिस, राइट। अब बिकॉज ये रिएक्ट नहीं करने वाला है, तो डेफिनेटली भाई अगर मैं नाइट्रोजन गैस से फिल कर दूंगी चिप्स को, तो वो मेरे ऑक्सीजन, मेरे ऑयल से भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो मेरा ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मेरा ऑयल खराब नहीं होगा, मेरे चिप्स खराब नहीं होंगे, है ना। तो टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, उसको हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं, सो दैट उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए और वो ऑक्सीडेशन करने से बचे। समझ में आया, गॉट इट, है ना। सो अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस में है, क्या क्या है, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों ही गैसेस काफी रिएक्टिव हैं। क्लोरीन हमने एग्जांपल में देखा होगा, दैट ब्लीचिंग पाउडर, उसमें क्लोरीन होता है ना। क्लोरीन इज रिएक्टिव इनफ, हाइड्रोजन भी काफी रिएक्टिव है, तो ये दोनों गैसेस हम यूज नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन तो भाई, ऑक्सीजन तो क्या यमराज है ऑयल के लिए, मतलब आप ऐसा है कि यमराज को सामने ला करके खड़ा कर दो और बोलो कि आप बचा लो मुझे, है ना। तो ऑक्सीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, नाइट्रोजन गैस, भूलना नहीं, याद रखना इसको, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारा ज्ञान हो गया, बहुत सारा रिवीजन हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जल्दी ही ट्राई करूंगी पोस्ट करने का, अनदर 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग, ठीक है, और फिर देखते हैं। चलो चलो, टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर बच्चों, बाय।